नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात से है, जहां लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यमुना नदी और सेंगू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी और सेंगू नदी के सटे सैकड़ों गाँवों में पानी बढ़ जाने से बाढ़ जैसी समस्या बनी हुई है। ताजा मामला कानपुर देहात जनपद के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मूसा नगर पंचायत के पास ग्रामीण क्षेत्रों का है, जहां लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ जाने से दर्जनों गांवों में पानी पहुंच गया है। बाढ़ जैसी स्थिति आ जाने पर ग्रामीणों का पलायन जारी है। लोग अपने घरों का सामान और आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं, जिसके चलते दर्जनों गाँवों में बाढ़ आ जाने से शासन द्वारा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं पूरे मामले की जानकारी को लेने SDM भोगनीपुर दीपाली भार्गव मौके पर पहुंची। सर, मुसानगर क्षेत्र में बाढ़ आई है, क्या हालात है इस समय? यहाँ पथार और क्योटरा बांगर गांव में पानी का स्तर बढ़ गया है और दो घर इसमें पथार गांव में जल से प्रभावित हैं, उन लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। क्योटरा में भी हम नज़र बनाए हुए हैं। अभी विस्थापन की आवश्यकता नहीं पड़ी है, परंतु विस्थापन करने के लिए भी स्थान चिन्हित कर लिया गया। लगातार फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं और भी राहत सामग्री यहाँ पहुँचाई जाएगी। मतलब बाढ़ आने से कितने गाँवों का संपर्क मार्ग जो है टूट चुका होगा? लगभग आसपास के 4 गाँव का इधर संपर्क मार्ग टूट चुका है और हम लोगों ने एक प्रशासनिक स्तर पर भी एक बड़ी नाव की यहाँ व्यवस्था की है। एक नाव और स्टैंड बाई पे है, आवश्यकता पड़ेगी तो उसे भी चलवाया जाएगा। मतलब पानी का स्तर क्या लगातार अभी बढ़ रहा है, कुछ रुका है? पानी का जल स्तर लगातार बढ़े जा रहा है और जो यमुना का बाढ़ का स्तर है वो 108 मीटर है, 107 मीटर से अधिक यमुना पहुँच चुकी है। मतलब बाढ़ आ रही, किस तरीके से पानी बढ़ रहा है? पानी जोर से बढ़ रहा है। अगर जो लड़का बच्चा बोस घास कहाँ भरन बताओ, कहाँ रहन कहूँ सुविधा इसी देव की कहूँ रान लगन कहूँ करन खान लगन। अच्छा, बाढ़ आती है तो लगभग कितने घर चपेट में आ जाते हैं? घर में शायद वहाँ आ जाते हैं 100-150 घर तो आए जाते हैं, इतना घर आ जाते गांव के भीतर। अच्छा, अभी कितनी तेजी के साथ पानी बढ़ रहा है? अब बहुत तेजी है, इतनी तेजी बताओ गाँव सामान ले कितना शाम लगा जाए। अच्छा, आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं तो सामान लेके किस कोई सुरक्षित स्थान के लिए निकल रहे रहने के लिए? सुरक्षित का बाहर गाँव धर रहे हैं जाके डड़िया डिकड़िया ना भाई आई है, जब घर नहीं है तो कहाँ घर आए, तो ये डूब रहे हैं। ये आपके क्षेत्र में बाढ़ आई है, किस तरीके के हालात हैं? बहुत बुरे हालात हैं, पूरा गांव घिरा हुआ है और बाढ़ में जो है परेशानी हो रही है हर चीज। आने जाने में बोट जो है, बोट एक टूटी बोट है एक सही है, आने जाने में दिक्कत आ रही है। कानपुर देहात से केकेडी न्यूज संवाददाता अंशु शुक्ला की रिपोर्ट। बांदा के पैलानी तहसील क्षेत्र के चिल्ला कस्बे के पास बह रही यमुना नदी में लगातार पानी से कभी भी नेशनल हाईवे 13 बंद हो सकता है। यमुना नदी के बढ़ने से पैलानी तहसील क्षेत्र की केन नदी और चंद्रावल नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं यमुना नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर चल रही है। यमुना केन व चंद्रावल नदियों के बढ़ने से हजारों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं, कई रास्तों से आवागमन बाधित हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने भी चौकसी बढ़ा दी है। आपको बता दें, केन नदी में यमुना का पानी आने से तहसील क्षेत्र के नरी गांव का पूर्व माध्यमिक विद्यालय डूब गया है। वहीं 3 दर्जन से अधिक गांवों के संपर्क मार्ग बंद होने से ग्रामीण नाव का सहारा ले रहे हैं। पैलानी डेरा से कानाखेड़ा जाने वाला मार्ग बाधित हो गया है और सिंधन कला जाने वाले मार्ग में तुलानारा में नाव के सहारे आ जा रहे हैं। तुरानाला भर जाने से लगभग 1 दर्जन गांव प्रभावित हैं, जिनके आने जाने का मात्र एक सहारा नाव ही है। केंद्रीय जल आयोग के SGO भारत कुमार चौरसिया ने चिल्ला कस्बे में स्थित जल आयोग के ऑफिस में जाकर बाढ़ के हालातों को देख कर बांदा के जिला प्रशासन को आने वाली बाढ़ के बारे में अवगत कराया। क्या नाम भैया आपका? मेरा संकेत। कहाँ रहते हैं यहाँ? सिंधन। अच्छा, ये नदी में जो बाढ़ आई है किस नदी का पानी है? ये केन नदी का ही है। अच्छा, यहाँ से आने जाने का रास्ता कोई दूसरा नहीं है? कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल यही नाव वाला रास्ता। अच्छा, ये रपटे, इस रपटे से कितने गांव लगभग लोग आते जाते हैं? रपटे से 4-5 गांव है। सिंधन हो गया आपका, गुरगावा हो गया, तगड़ा डेरा हो गया, हरबंसपुरवा हो गया, लसड़ा हो गया, आदरी हो गया, बचकौरी हो गया। हाँ, लगभग 1 दर्जन गाँव इससे प्रभावित हो रहे हैं।
अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी की आकस्मिक चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है तो फिर वो कैसे निकलेगा यहाँ से? आकस्मिक अगर क्या रास्ता है, कैसे जाएगा? एक ये रास्ता है, नाव वाला ही, और कोई रास्ता नहीं है। या तो फिर आप 25 किलोमीटर दूर चक्कर काट के जाना पड़ेगा, वो बहुत खतरनाक एरिया है, रास्ता भी नहीं है सही वहाँ का, तो उसके लिए केवल एक यही रास्ता है, तत्कालिक है, नाव वाली सब। जैसे अभी आप मोटरसाइकिल लेके आए तो कैसे जाएंगे आप यहाँ से? मोटरसाइकिल इस बार खड़ी करेंगे और नाव से जाएंगे। प्रशासन ने क्या आने जाने की कोई व्यवस्था की है क्या? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ये गांव की तरफ से नाव चल रही है। क्या खेत वगैरह या किस फसल वगैरह भी प्रभावित है अभी कि नहीं? बिल्कुल, फसल वगैरह प्रभावित है, लगभग अभी तक 50% प्रभावित हो चुकी है फसल। फसल लोगों ने फसलों में क्या बोया था यहाँ? ज़्यादातर तिल और उड़द और मूंग। 50% लगभग नुकसान है। क्या नाम बताया था आपने? संकेत। बांदा से केकेडी न्यूज ब्यूरो पूरन राय की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया, और खबरों की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।